अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्टार्ट करते हैं ऑन द बस जो न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1 का यूनिट 5 है, पेज 42 पर, वर्ड्स टू नो, ब्रिज, कंडक्टर। द बस इज इन द बस स्टेशन, 10 पीपल आर इन द बस, द ड्राइवर इज इन हिज सीट, द कंडक्टर इज स्टैंडिंग नियर द बस, मिसेस अली इज गेटिंग इनटू द बस, शी इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। तो ये एक बस है जो बस स्टेशन पर खड़ी है, इसमें 10 लोग मौजूद हैं और ड्राइवर जो है वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है, कंडक्टर बस के नज़दीक खड़ा है, एक औरत जो है जिसका नाम मिसेस अली है वो अपनी छतरी उठाए हुए बस के अंदर दाखिल हो रही है। द बस इज़ ऑन द रोड, इट इज़ टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर, इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, मिसेस अली इज़ स्लीपिंग। बस सड़क पर जा रही है, ये मिसेस अली को लाहौर ले जा रही है जो कि बहुत तेज़ चल रही है, और मिसेस अली सो रही हैं अपनी सीट पर, जैसा कि आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहा है। द बस इज़ गोइंग वेरी फास्ट, बस तेज़ी से जा रही है। द बस इज़ कमिंग टू अ ब्रिज, बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही है। मिसेस अली स्लीपिंग, मिसेस अली इज़ ड्रीमिंग ऑफ द शालीमार गार्डन्स, तो मिसेस अली उसी तरह सोई हुई हैं और वो शालीमार बाग का ख्वाब देख रही हैं। Look out, there is a cow on the road. The bus is stopping. The driver gets out of the bus. The conductor gets out. Mrs. Ali gets out. All the people get out of the bus. बाहर देखो, सड़क पर एक गाय बैठी हुई है, बस रुक जाती है। ड्राइवर जो है वो बस से बाहर आ जाता है, कंडक्टर भी बस से बाहर आ जाता है, मिसेस अली भी नीचे उतर आती हैं, तमाम लोग बस से बाहर आ जाते हैं। द ड्राइवर क्लैप्स हिज हैंड्स, द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड्स, मिसेस अली वेव्स हर अम्ब्रेला, द पीपल शाउट, काउ डज नॉट मूव। ड्राइवर जो है वो अपने हाथों से तालियां बजाता है, कंडक्टर भी तालियां बजाता है, मिसेस अली जो है वो अपनी जो छतरी है वो गाय के आगे लहराती हैं। द पीपल शाउट और द काउ डज नॉट मूव, लोग चीखते चलाते हैं लेकिन जो काउ होती है वो बिल्कुल वहाँ से हरकत नहीं करती। द ड्राइवर गेट्स इन टू द बस, द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न, ड्राइवर बस में जाकर बैठता है और बस का जो हॉर्न है वो बजाता है। द पीपल शाउट लाउडर, लोग ऊंची ऊंची चीखते हैं, शोर मचाते हैं। द काउ डज नॉट मूव, गाय बिल्कुल हरकत नहीं करती। मूव डेट काउ शाउट्स द ड्राइवर, मूव डेट काउ शाउट्स द कंडक्टर, ड्राइवर जो है वो चीखता है इस गाय को हटाओ, कंडक्टर भी चीखता है इस गाय को यहाँ से हटाओ। मूव डेट काउ शाउट्स मिसेस अली, मूव डेट काउ शाउट द पीपल, मिसेस अली और तमाम लोग भी इसी तरह ऊंचा ऊंचा बोलते हैं कि गाय को यहाँ से हरकत कराओ। द काउ डज नॉट मूव, लेकिन काउ जो होती है वो गाय बिल्कुल हरकत नहीं करती। साहर इज पासिंग बाय, साहर ये एक लड़का है जो वहाँ से गुजरता है करीब से, ही सीज द काउ, वो गाय को देखता है, ही सीज द पीपल, वो लोगों को भी देखता है, ही लाफ्स तो वो हंसता है। साहर कट्स सम ग्रास, वो कुछ घास काटता है, ही होल्ड्स इट नियर द काउज नोज, और उसको उस घास को पकड़ कर वो गाय के नाक के करीब लाता है। फिर क्या होता है देखते हैं। कम सेज साहर, द काउ गेट्स अप एंड फॉलोज हिम, साहर कहता है आओ, और जो गाय है वो उठकर उसके पीछे चलना शुरू कर देती है। वेल डन शाउट द पीपल, लोग खुशी से चीखते हैं, वेल डन बहुत अच्छा ज़बरदस्त। द पीपल आर हैप्पी, लोग खुश हैं। दे गेट बैक इन टू द बस, वो दोबारा बस के अंदर चले जाते हैं। दे गो ऑन देयर वे टू लाहौर, और लाहौर की तरफ चल पड़ते हैं। अब करते हैं ये क्वेश्चंस। वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग, द पीपल ऑन द बस आर गोइंग टू लाहौर। व्हाट इज मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट, शी इज ड्रीमिंग अबाउट शालीमार गार्डन्स। Why does the bus stop? The bus stops because there is a cow on the road. How do the people try to make the cow move? They clap, shout, blow horn and also wave an umbrella in front of cow, but it does not move. How does Mrs. Ali try to make the cow
move. Mrs. Ali tries to make the cow move by waving her umbrella in front of it. What does the driver do? The driver claps his hands and blows the horn. Who makes the cow move? How? तो ये आपने पढ़ा है इस पे कि किसने किया था उसको मूव. साहर एक लड़का था, ठीक है, उसके उसका बताएं आप. साहर मेक्स द काउ मूव. ही कट्स सम ग्रास एंड होल्ड्स इट नियर द काउज नोज. द काउ गेट्स अप एंड फॉलो हिम. अब आते हैं इन क्वेश्चंस पर. राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. At the bus station, how many people are in the bus? 10 people are in the bus. Where is the conductor standing? The conductor is standing near the bus. Where is the driver? The driver is in his seat. What is Mrs. Ali carrying? She is carrying an umbrella. On the way to Lahore, is the bus going fast? Yes, the bus is going very fast. What is Mrs. Ali doing? Mrs. Ali is sleeping and dreaming about the Shalimar Gardens. Where is the cow? The cow is on the road. Does Mrs. Ali make the cow move? She does not make the cow move. अब हम ये देखते हैं कि ये एक पिक्चर बनी हुई है और इससे रिलेटेड ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उनमें नेमिंग वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं. आसम हैज़ अ बास्केट एंड टू बैग्स. तो बास्केट और बैग्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं. जो यहाँ पे बास्केट आपको नज़र आ रही है वो हैं. ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट जो है वो नेमिंग वर्ड है. ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन. इसमें स्टोन. अ स्टोन इज़ हिटिंग अ ब्रांच. स्टोन और ब्रांच नेमिंग वर्ड्स हैं. नाउ मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. और इसमें मैंगोज एंड ग्राउंड जो है वो आपके नेमिंग वर्ड्स हैं. यहाँ पे बताया भी गया है द वर्ड्स विद अ लाइन अंडर देम आर नेमिंग वर्ड्स. तो इसी तरह की जो सेंटेंसेस हैं ये आगे भी दिए गए हैं. इनको भी आपने अंडरलाइन करने हैं उनमें ढूंढ के. द ट्री इज़ नियर द हाउस. ट्री और हाउस नेमिंग वर्ड्स हैं. द डॉग इज़ नियर द ट्री. डॉग ट्री आर नेमिंग वर्ड्स. द कैट इज़ ऑन द ब्रांच. कैट और ब्रांच जो है वो नेमिंग वर्ड है. वेयर इज़ द बर्ड. इसमें बर्ड जो है वो नेमिंग वर्ड है. ये इस तस्वीर से रिलेटेड था. अब पढ़ते हैं ये क्या है. रीड द वर्ड्स से द साउंड्स अलाउड. तो इसमें आपने ये सीखना है कि ये जो एस एच है ये शीन की साउंड निकालता है श. इसी तरह ये सी के की साउंड है एस टी और टी एच जो साउंड्स निकालते हैं. और ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो आपने यहाँ से इनसे आपने हिंट लेके यहाँ पे लगाने हैं. तो ये है एस एच यानी डिश, स्प्लैश, वॉश और ये है फिश. यहाँ से आपको हिंट मिल गया. सी के इससे बने वर्ड्स लॉक, लिक, लैक और ये है सैक. एस टी नेस्ट, बेस्ट, बेस्ट और ये वेस्ट. टी एच के वर्ड हैं विथ, मौत, क्लॉथ, टूथ. ये आपके हिंट्स हैं. अब आते हैं इस पे लास्ट वाली एक्टिविटी पे. ये वो सारे करेक्टर्स हैं जो बस के अंदर मौजूद थे. ये ड्राइव कॉन्डक्टर है, ये वो मिसेज अली हैं और ये साहर लड़का है और ये काओ है द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी. ठीक हो गया बच्चों. तो ये इन्होंने कहा है कि टॉक अबाउट द पिक्चर और देन फिल इन द स्पीच बबल्स बने हुए हैं कि ये क्या क्या आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं. तो हम इसको लिखते हैं इस तरह कि ये जो कंडक्टर है ये कह रहा है आई क्लैप्ड बट द काउ डिड नॉट मूव. ठीक हो गया. ये मिसेज अली कह रही है कि आई वेव्ड एन अम्ब्रेला बट इट डिड नॉट मूव. यानी काउ ने मूव नहीं किया था. और ये साहर कह रहा है आई मेड द काउ मूव. यस, वो खुश होकर बता रहा है कि मैंने उसको वहाँ से हिला दिया था, मतलब उठा दिया था सड़क के ऊपर से. और ये काउ क्या सोच रही है. अब ये बोल तो सकती नहीं लेकिन ये कुछ सोच रही है अपने दिमाग में. ये कहती है वाओ आई फाउंड अ डिलीशियस ग्रास.
तो ये हुई आपकी स्टोरी कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।